नमस्कार, सत श्री अकाल, सारी चीजें जो भी होती है। भाई मुझे अभी अभी 10 मिनट पहले पता चला, मेरे बहुत यार एक अजीज है, उन्होंने बताया कि शन्नो भाई चाय वाले जो सिलमपुर से हैं वो ग्रुप में आ गए। अगर वो ग्रुप में आ गए तो भाई की आवाज़ फिर पकड़े, जो उन्हें आवाज़ दे रखी है 71 कबूतरों की, चाहे तो गर्मी दौड़ा ले, ठीक है। और शन्नो भाई मुँह मत छुपाए करो, शौक करो, अगर कबूतर पाल रखे हैं 2-2.5 हज़ार रुपये करके, आपको भाई से क्या हवा लेती है आपकी। और मुझे एक चीज़ और पता चली भाई, कि शन्नो भाई की छत पे से जो शारी भाई हो मेरे भाई हैं, अगर वो कबूतर उड़ाएंगे तो शन्नो भाई तुम्हें माफ़ कराऊंगा, अगर शारी भाई उड़ाएंगे, और वरना तालीम का कोई भी उड़ाएगा तो अप्पू की तरफ से माफ़ी नहीं है शन्नो भाई के लिए, ठीक है भाई। अगर शौक करना चाहें चाहे जब पर्चा लिखवा लें, लड़ाइया का दौड़ाइया का चाहे, लेकिन उड़ाऊंगा लाचे। शन्नो भाई आपसे कह रहा हूँ, ध्यान दे जरा भाई। अभी जो हमने ग्रुप में वीडियो छोड़ी है भाई, शन्नो चाय वालों के खिलाफ जो छोड़ी है हमने वीडियो, वो वीडियो जो है भाई वो ईद का तोहफा है शन्नो भाई के लिए, रमजानों का ईद का तोहफा है। तो शन्नो भाई ये तोहफा कबूल करें, और शारिक भाई की वजह से, जो शारिक भाई हैं हमारे खलीफा जी जो है, उनकी वजह से आप बच गए, क्योंकि वो मेरे भाई हैं, मैं उनका बहुत सम्मान रखता हूँ। अगर वो तुम्हारी छत पर से कबूतर उड़ाएंगे तो आप बच गए, वरना शन्नो भाई कोई घर नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह। पर पहली बात तो आप दौड़ भगा ही नहीं सकते, क्योंकि अच्छे पालना अच्छे उड़ाना बस की नहीं है किसी के, खास तौर से तुम्हारे, ये आप ध्यान दें। शन्नो भाई आपसे कह रहा हूँ मैं ये बात, शन्नो भाई चाय वाले उस्ताद असलम तालीम के, ठीक है, सिलमपुर में जो है शन्नो भाई चाय वाले, ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम।